नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज यूपी। मैं विवेक अरपंसी। इस समय हम संपूर्णा नगर में खड़े हैं और संपूर्णा नगर तहसील पलिया के अंतर्गत आता है, लखीमपुर खीरी जिला है। एक बड़ी घटना हुई है और उस बड़ी घटना के बारे में हम बात करने आए हैं। उससे पहले हम आपको संक्षिप्त में कुछ बता देते हैं। ये घटना कल की है, बृहस्पतिवार की घटना है। एक नाबालिग बच्ची का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला था, जिसके बाद परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए और ऐसे आरोप भी लगाए जो पूरे देश में लगातार चर्चा का विषय भी बनते आ रहे हैं। लव जिहाद का आरोप लगाया, लव जिहाद में फंसा कर बच्ची का वीडियो बनाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा था लगातार, और जिसको लेकर जो है परिजन जो दूसरा पक्ष है उसके घर भी गए थे। और उसके बाद क्या होता है, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। ये जो बच्ची आप देख रहे हैं जिसका मुंह ढका है, ये जिस बच्ची की मौत हो गई है उसकी बड़ी बहन है। तो आप अंदाज़ा देखकर लगा सकते हैं कि क्या उम्र रही होगी, नाबालिग बच्ची थी, क्या उम्र रही होगी और क्या स्थिति परिवार पर गुजर रही है। और इससे पहले हम बता दें, कुछ महीने पहले ही एक अग्निकांड में पूरा जो है इनके जो भी दुकान और जो भी संसाधन थे आजीविका चलाने के लिए, वो भी सब खत्म हो गए। पिता है नहीं, किराए पर जो है मकान है, किराए पर कमरे उठाकर अपनी आजीविका का भरण पोषण कर रहे हैं। और उसके बाद आज इस तरीके की कल ऐसी घटना हो जाती है। अभी सब पोस्टमार्टम के लिए गया है और परिजन इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार सब का कर रहे हैं, साथ में न्याय का भी कर रहे हैं कि जो घटना हुई है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हवालात में है। आगे हम बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? थोड़ा तेज बोलिए। सिम्मी नाम है। क्या हुआ, पूरी घटना क्या हुई है? जब हम पलिया से आए तो सारे दरवाजे, मेन गेट सब कुछ खुला हुआ था। क्या करने गए थे पलिया आप लोग? पलिया हम तहसील में गए थे। हाँ। वहाँ पर हमें बुलाया गया था, आग लगी थी इस वजह से मुआवजा देने के लिए बुलाया गया था, तभी हम गए थे। मगर हमें मुआवजा भी नहीं मिला और घर पे आए जब, तो फिर घर किस समय घर पहुँचे आप लोग? कल की बात कर रहे हैं ना, बृहस्पतिवार की 2 तारीख की। अच्छा, कल 5 बजे हम घर पे आए। हाँ। सारे गेट खुले हुए थे, मेन गेट भी खुला हुआ था और घर के ऊपर हम चढ़े, फिर वाला भी गेट खुला हुआ था, टंकियों की सब कुछ खुली हुई थी। फिर हम छत पे, जब मैंने अपनी बहन को आवाज़ लगाई कि काकू कहाँ हो तुम, तो उसके बाद फिर मैंने रूम में जाके देखा तो वो लटकी हुई थी। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी से बताया, उसको किसी ने मारा है घुस के, क्योंकि वो अपना फांसी नहीं लगा सकती। देखिए, हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, परिवार इस समय दुख की घड़ी से गुजर रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है अगर हम बात नहीं करेंगे तो जो घटना है वो निकल कर सामने नहीं आएगी। इसलिए मजबूरी है, हम परिवार के साथ, हमारी संतावनाएँ भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे बेटा आप थोड़ी हिम्मत रखो और बताओ क्या कारण रहा, किस पे जो आप लोगों ने तहरीर दी है उसमें किसका नाम और पूरी घटना क्या है, किस तरीके से आपको लगता है कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो संपूर्णा नगर का व्यस्ततम चौराहा है और कबीरगंज तिराहा जिसको बोलते हैं, वहीं पे मेन चौराहे तिराहे की घटना है ये। तो क्या लगता है कि जबरदस्ती कोई घर में आ सकता है या कैसे, क्या हुआ होगा? कोई मेरे घर पे आया होगा, क्योंकि उसकी जेब में पैसे भी मिले थे, 2000 रुपये पुलिस वालों को मिले थे, वो पुलिस ने ले लिए पैसे, फ़ोन वो भी अनलॉक था, उसमें सब कुछ था उसका, सारे स्क्रीनशॉट उसने मार मार के रखे थे अपने बेगुनाही के, सारे सबूत थे, उसको टॉर्चर करता था। कौन करता था टॉर्चर? जोही दख्तर। जोही दख्तर, ये कौन है? ये कहाँ के हैं? संपूर्णा नगर के हैं। अच्छा अच्छा, एक और बात पता चल रही है, एक वीडियो की बात आ रही है, जो जो आरोपी है जिस पर आप परिजन आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उसने कोई वीडियो भी वायरल किया था, वो किस तरीके से कैसे बनाया गया होगा और उसको क्यों वायरल किया गया? बहुत बेकार वीडियो थी वो, उससे मेरी बहन को ब्लैकमेल करा जा रहा था, उसको धमकी दी जा रही थी कि बहुत बुरा करूँगा तेरे साथ, तुझे मार दूँगा, ये धमकी सारी उसके फ़ोन में रिकॉर्ड थी। अच्छा,
ये धमकियां भी धमकी देकर और एक वीडियो बना लिया गया था और उस वीडियो के माध्यम से बच्ची को जो है लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसके बाद ये घटना होती। तो जब आप लोग यहाँ मौके पर पहुँचे तो क्या देखा आपने, कैसे फिर पुलिस को बताया, क्या किया? मेरी बहन लटकी हुई थी, फिर हमने सबको बुलाया, पुलिस आई, फिर उसके बाद पुलिस ने उतारा, सब कुछ करा, फिर उसको सील किया, फिर उसको वहाँ पर भेज दिया। अच्छा, बता रहे हैं कि कोई बहन से विवाद भी हुआ था जो आरोपी पक्ष है, उसमें क्या हुआ था? उसमें उसकी माँ ने मारा और जाहिद नूर ने मारा, जोहिद अख्तर ने मारा और सब उसके भाइयों ने मारा। क्यों मारा? वो उनकी बात नहीं मान रही थी, उनका धर्म कबूल नहीं रही थी। नहीं, थोड़ा सा समझाइए, धर्म कबूल नहीं रही थी मतलब क्या है? मतलब क्या जोहिद चाहते थे कि वो हिंदू की जगह मुस्लिम हो जाए? जी हाँ। अच्छा, ब्लैकमेलिंग का वही कारण था? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, कब गई थी बहन आपकी? आज से 7 दिन पहले। अच्छा, 7 दिन पहले हम लोग गए, मतलब वो गई, फिर मैं उसके पीछे पीछे पीछा करते हुए पहुंची, मैंने देखा मेरी बहन को मार रहे थे और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया था जिसमें सारे प्रूफ थे, सब कुछ तोड़ दिया और मैंने सारे टुकड़े उकड़े सब बीन लिए और मैंने पुलिस में दे दिए थाने में, कल दिए थे थाने में। अच्छा, कल दिए आपने थाने। इससे पहले जब 7 दिन पहले घटना हुई तो क्या आप लोगों ने कोई शिकायत पुलिस को की थी? जी नहीं, क्योंकि शर्म के मारे हम लोग ने कुछ नहीं किया। वो धमकी दे रही थी, उसकी माँ कह रही थी अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारी बहन की होगी, तब भी ये नहीं रहेगी। और बार बार वो धमकी उसको देते रहे, टॉर्चर करते थे उसको, मारने पे मजबूर कर रहे थे, वो लोग बहुत मारे थे उसको। तो कल कैसे लगा आपको कि आत्महत्या ना होकर ये हत्या हो सकती है? क्योंकि कल मेरे घर के सारे दरवाजे जो बंद करके रखती है वो उसने खोल रखे थे, वो उसने नहीं खोले थे, इसका मतलब कोई घर में घुस के उसको मार के गया है, क्योंकि पैर नीचे तक, बेड के नीचे तक उसके लग रहे थे, बेड पे ही लग रहे थे पैर, बेड पे अगर रखती तो बच जाती, वो अपने आप नहीं लगा सकती वो। तो ये देखिए, पूरा घटनाक्रम हम एक बार और आपको बता देते हैं। जैसे बच्ची बता रही है, परिजन है, ये बड़ी बहन है उनकी, इनका कहना है कि जिस बच्ची अनामिका उर्फ काकू जिसकी कल मौत हुई है फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला था, एक लड़का जोहिद नामक लड़का जो है, उस जोहिद लड़का था, वो परेशान लगातार करता था और एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसके माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा था लगातार, और ब्लैकमेल करने की वजह से लड़की जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित थी, पीड़ित थी, परेशान थी, घर भी गई। जैसे कि इनका कहना है कि 7 दिन पहले वो घर गई थी और घर जाने के बाद उनके परिवार वालों से भी, लड़के के परिवार वालों से भी शिकायत की और उन्होंने भी जो है उनको ही, लड़की को ही समझाया कि तुम्हारी ही बेइज्जती होगी अगर इस चीज़ को। तो ये कल वीडियो कैसे, किस समय वायरल हुआ, आप लोगों को कब पता चला? वीडियो तो मुझे मेरी बुआ ने भेजी थी वीडियो मुझे, क्योंकि मेरी बुआ के पास जोहिद ने भेजी थी, तो बुआ के पास पूरा सबूत है, उसने बहुत गंदी वीडियो उस पर लगा भी रखी थी, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे वायरल की थी, सारे यारों दोस्तों को भेजी, उसकी बेइज्जती करवा रहा था वो। तो अभी सुबह जो है, देखिए जब ये घटना हो जाती है और उसके बाद सुबह जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई हुई थी तो यहाँ कुछ समय के लिए रोड जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, लोगों ने यहाँ पे रास्ते को जाम कर दिया था, हालांकि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई है और देर रात तक वापस आने की बात है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने मुकदमा तो हालांकि दर्ज कर लिया है, कई गंभीर 376 समेत तमाम गंभीर धाराओं में, 67 ए समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि पोस्टमार्टम के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम भी आई थी और मौके की जांच भी कर ली गई है, परिजनों की मांग के अनुसार पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी और एक पूरा डॉक्टरों का पैनल उसकी जांच करेगा। वो गए और जो इतने बहुत बुरा किया मेरी बहन के साथ, उसी ने मारा है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वही टॉर्चर करता था मेरी बहन को, ब्लैकमेल भी वही करता था, मारने की धमकी भी वही देता था, उसका भाप देता था जाहिद नूर। अच्छा। जो उसका भाप है। अच्छा। सबने मिलके मारा है मेरी बहन को, हम लोग के ना होने पे उन लोग ने मौके का फायदा उठाया है।
तो देखिए हमने पूरी बात की और पूरा घटनाक्रम आपको बताया है। हम इन्हीं के घर में खड़े हुए हैं और परिजन जो है बॉडी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है, हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, अब सारा दारोमदार पोस्टमार्टम पर निर्भर करता है।